ओके तो ठीक दिस वॉज द असाइनमेंट विच आई हैड आस्क यू टू डू राइट ओके तो इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है राइट पे. आई विल सजेस्ट आप उसको गो थ्रू करो. अगर इस असाइनमेंट में किसी को कोई भी डाउट है यू ऑल कैन आस्क. जस्ट रेज योर हैंड और यू कैन टाइप इट डाउन इन द चैट बॉक्स. वी कैन डिस्कस दैट फर्स्ट एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द टूडेज टॉपिक. किसी को कोई भी डाउट है इस छोटे से असाइनमेंट में जो मैंने दिया था आपको करने के लिए? ओके ग्रेट. आई डोंट सी किसी का भी हाथ, किसी ने भी हैंड रेज नहीं करा है. पार्ट वन का जी तनीषा. वन का तो है ही नहीं. मे बी यू आर आस्किंग दिस एज द कैरेक्टर फॉल्स. ये वाला इफ यू आर आस्किंग दिस तो ये इसका आउटकम क्या हो जाएगा? फॉल्स कोटेशन में आ जाएगा. ठीक है, फॉल्स कोटेशन में आ जाएगा इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन. फनीशा इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन एज डॉट कैरेक्टर फॉल्स इज लॉजिकल. इसको कैरेक्टर में चेंज करेंगे तो ये नो यू डोंट हैव टू डू दिस. यू डोंट हैव टू डू दिस. दैट इज आज की क्लास का असाइनमेंट. मैंने ये वाला करने बोला था. ठीक है, मैंने खाली ये वाला करने बोला था. इसके पहले वाला नहीं करना था आपको. ओके सो इफ यू ऑल डोंट हैव एनी डाउट इन दिस असाइनमेंट. मैंने ये तीन क्वेश्चन खाली करने बोले थे. वो क्वेश्चन नहीं करने क्योंकि उसके लिए मैंने फंक्शंस आपको नहीं कराया था. फाइन किसी ने हैंड रेज करा है? यू ऑल कैन प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. प्लीज यूज द चैट बॉक्स. ओके सो लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट विद द बेसिक फंक्शंस टुडे. कल हमने क्या करा था? कैसे आर को डाउनलोड करते हैं, आर जीयूआई एंड आर स्टूडियो कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर समझा था, उसका बेसिक इंटरफेस हमने समझा था. देन वी स्टार्टेड राइटिंग द कोड्स. हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स सीखा था, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेटर्स. एंड देन वी मूव्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. हाउ टू यूज दीज वेरिएबल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट डेटा टाइप्स. न्यूमेरिक, कैरेक्टर. न्यूमेरिक के अंदर क्या आते हैं? इंटीजर एंड डबल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. देन वी हैव लॉजिकल डेटा टाइप. सो वी हैड दीज डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमने किया था. नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस न्यू टॉपिक विच इज द बेसिक फंक्शन. तो जैसे कि अगर आपको एक्सेल आता है, ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन कुछ समवट इज लाइक दैट ऑफ एक्सेल. ठीक है, अगर नहीं आता इज इट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन. वेरी सिंपल फंक्शन. तो बेसिक फंक्शन में ये आते हैं. ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम लोग विथ टाइम विद इन द कोर्स सीखेंगे, बट दीज आर द बेसिक वंस जो हम लोग इन जनरल हर जगह यूज कर सकते हैं. राइट, सो वेन वी टॉक अबाउट द फंक्शन, द बेसिक फंक्शन, तो यहाँ पे सपोज वेन वी टॉक अबाउट मैथमेटिकल फंक्शन, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, यू विल यूज सिंपल फंक्शन कॉल्ड एस क्यू आर टी. सम फंक्शन, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरियंस, मीडियन, क्वांटाइल, कोरिलेशन, एक्सपोनेंशियल, लॉग एंड ऑल ऑफ दीज. अगर आपको कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, सपोज क्वांटाइल अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, कोरिलेशन अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, यू ऑल कैन लीव दिस अभी के लिए. विद इन द कोर्स हम लोग ये सब एक एक करके सीखेंगे. प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट एवरी वन. प्लीज कीप योर सेल्स ऑन म्यूट.
राउंड फंक्शन, एब्सोल्यूट, मिन, मैक्स, सीलिंग, फ्लोर, ट्रंक, एक एक करके सब समझते हैं. देर आर अ फ्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल, लाइक साइन, कॉस, टैन. ये हार्डली हम यूज करने वाले हैं. एंड वी हैव फैक्टोरियल एंड चूज. एक एक करके वी सी ऑल ऑफ दीज फंक्शंस इन आर. दीज आर वेरी बेसिक फंक्शंस. आपको पीपीटी मिला हुआ है, यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन अभी. ठीक है, सब कुछ आपके पास है, आपको कुछ लिखना नहीं, यू जस्ट हैव टू फॉलो विथ मी. राइट, सो वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक फंक्शंस. एंड इस बेसिक फंक्शंस में सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस व्हिच वी हैव. ओके, तो नाउ द फर्स्ट थिंग इज, हम लोग पहली बार फंक्शन लिख रहे हैं अपने आर में. तो व्हाट इज अ फंक्शन? अ फंक्शन इज समथिंग विच गिव्स यू अ पर्टिकुलर आउटपुट. उसके अंदर आपको पर्टिकुलर इनपुट डालने पड़ते हैं. राइट, तो वो इनपुट आप डालोगे, यू विल गेट द आउटपुट. आर विल गिव यू द आउटपुट. सो सपोज व्हेन वी आर राइटिंग सम, ठीक है, तो सम जब हम लिख रहे हैं तो किसका आपको सम निकालना है? यू हैव टू स्टेट दैट किसका आपको सम निकालना है. राइट, सो यू विल स्टेट द नंबर्स जिनका आपको सम निकालना है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, आई हैड डिफरेंट वेरिएबल्स जो मैंने येस्टरडे विच वी डिफाइंड. दीज आर द डिफरेंट वेरिएबल्स विच वी डिफाइंड. एज वन, एक्स वाई, ये मैंने सब डिफाइन करा था. लेट अस सपोज मुझे एक्स एंड वाई का सम लेना है. ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट प्रिंट इट आउट. सपोज आई प्रिंट एक्स, एक्स क्या आया? 5.7. लेट मी प्रिंट वाई. दिस इज अ न्यू फंक्शन विच यू आर लर्निंग, विच इज अ प्रिंट फंक्शन. नाउ वॉट इज अ प्रिंट फंक्शन? अ प्रिंट फंक्शन इज समथिंग जो आपको आउटपुट देता है. उसके अंदर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हो, वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिखता है. दिस इज एग्जैक्टली द सेम वे. अगर आप खाली एक्स लिखोगे और इसको रन करोगे कंट्रोल एंटर, तो आपको क्या मिला? 5.7. सिमिलरली अगर आप वाई लिखोगे एंड रन करोगे तो आपको क्या मिला? 2. सो इट्स एग्जैक्टली इन द सेम वे. यू कैन यूज प्रिंट एक्स एंड प्रिंट वाई, देर इज नो डिफरेंस. ठीक है, दिस इज अगेन अ फंक्शन जो हम कैसे यूज करते हैं. क्या फिर अगर हम ऐसे, हमें मिल रहा है वाई का वैल्यू, तो हम क्यों लिख रहे हैं प्रिंट फंक्शन? दिस वी लर्न व्हेन वी मूव अहेड, कि ये जो फंक्शन है ये दूसरे फंक्शंस के अंदर भी काम आता है. दैट इज द मेन रीजन दैट वी यूज दिस फंक्शन. ठीक है, सो सपोज अब मुझे सम निकालना है ऑफ एक्स एंड वाई. सो आई विल जस्ट सिंपली राइट एक्स कॉमा वाई. आई विल गिव ऑल द इनपुट पैरामीटर्स इसके अंदर एंड आई विल हिट रन. What is the answer? 7.7. Exactly the same thing. ठीक है, now the another thing which you should know, कोई भी function, जैसे कि ये function है sum, आपको पता नहीं कि इसको कैसे use करना है. So in this tab, in this window, there is a help tab. आप help tab में आओगे, यहाँ पे you will simply type sum, ठीक है, and you will hit run, enter run करो, hit करोगे and see you are getting the entire फंक्शन. पहले तो आपको लिखा हुआ है गिव्स द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज प्रेजेंट इन इट एज आर्ग्यूमेंट्स. व्हाट आर दीज आर्ग्यूमेंट्स? दीज आर्ग्यूमेंट्स आर द इनपुट्स व्हिच वी गिव टू एनी फंक्शन. अब देखो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन है. दीज आर द डॉट्स. व्हाट आर दीज डॉट्स? दीज आर द न्यूमेरिक और कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल वेक्टर्स. व्हाट आर वेक्टर्स? वील कम टू इट इन टुडेज क्लास ओनली. व्हाट आर वेक्टर्स? वील कम टू इट. बेसिकली आपको इसमें नंबर्स, क्या आप कोई भी कैरेक्टर का सम निकाल सकते हो? यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई एंड कॉमा दे देती हूँ नेम, विल आई गेट एनी आउटपुट? लेट अस चेक. सी, इट इज गिविंग अस इनवैलिड टाइप कैरेक्टर ऑफ आर्ग्यूमेंट. इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली आप कोई भी कैरेक्टर का सम नहीं निकाल सकते हो, तो ये आपको क्या देगा? एरर देगा. ठीक है, इसके जो बाकी आर्ग्यूमेंट्स है वील कम टू इट लेटर ऑन, बट अभी के लिए एन ए डॉट आर एम, वील कम टू इट विद इन टाइम, बट अभी के लिए हमें इसका जरूरत नहीं है. दिस वॉज द बेसिक सम फंक्शन. लाइक सम फंक्शन, देर इज अ फंक्शन कॉल्ड मीन. मीन क्या होता है? एवरेज. मीन क्या होता है? एवरेज. 5.7, एक्स का वैल्यू वॉज 5.7 एंड 2 का वैल्यू वॉज. सो बेसिकली यहाँ पे आपका 5.7 क्यों आ रहा है मैं बताती हूँ. यहाँ पे अगर आप मीन लिखो,
अब तरीका देखते हैं कि मीन निकालते कैसे. मीन फिर ये जो एक्स है ना, इसमें यू हैव टू गिव ऑल द नंबर्स टुगेदर. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो एक्स वाई आपने दिया, खाली ये फर्स्ट एक्स का मीन निकलेगा, ये इग्नोर हो गया. समझ रहे हो? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वहां पे क्या था, सम में क्या था? वी हैड दीज थ्री डॉट्स विच इज अ न्यूमेरिक और कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स. दीज कैन बी मेनी नंबर्स. आप यहाँ पे जेड लिख सकते हो, कुछ भी, यू कैन जस्ट कंटिन्यू इट. ठीक है, बट यहाँ पे यू कैन नॉट इन मीन. इन केस ऑफ मीन, इन केस ऑफ मीन ध्यान से देखो कैसे लिखा हुआ है. खाली एक्स है, इसका क्या मतलब है कि आप खाली एक वैल्यू यहाँ पे बिठा सकते हो. तो आप खाली एक वैल्यू क्यों दोगे? आप एक वेक्टर दोगे. व्हाट इज अ वेक्टर? वी कम टू इट लेटर ऑन. ठीक है, तो ये वाला चीज डिफरेंट समझ में आ रहा है? यस, वी कम टू इट. व्हाट इफ वी हैव अ रेंज? ऑब्वियसली वी विल ऑलवेज हैव अ रेंज जिसका हमें एवरेज निकालना है. सो वी विल नॉट पुट इट दिस वे, वी विल यूज अ वेक्टर व्हिच वी कम टू इट आफ्टर दिस टॉपिक कंप्लीट इज कंप्लीटेड. ठीक है, या सर? तो यहाँ पे ये वाला तरीका विल नॉट वर्क. दिस विल नॉट वर्क. ठीक है, वी आर गेटिंग अ रॉन्ग आंसर टू इट. वील कम टू इट वेन वील अंडरस्टैंड अबाउट वेक्टर्स. ठीक है, वी हैव सम फंक्शन, वी हैव मीन, एंड देर आर अदर फ्यू फंक्शन एज वेल विच वी हैव. लाइक लेट अस टॉक अबाउट स्क्वेयर रूट. तो स्क्वेयर रूट में चलो हम दे देते हैं एक्स का स्क्वेयर रूट. सो 5.7 का स्क्वेयर रूट आया 2.38. क्लियर? स्क्वेयर रूट ऑफ 5.7. व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन? आप एस डी यूज कर सकते हो. व्हाट इज द वेरियंस? वी ए आर यूज कर सकते हो. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज अ राउंड फंक्शन. तो अब मुझे सपोज नाउ आई हैव अ न्यू नंबर जो मैंने डिक्लेयर किया है. सपोज दिस इज अ न्यू नंबर. ठीक है, 7.9889 जेड. आई हैव अ जेड का नया वैल्यू यहाँ पे. आई हैव टू गेट दिस वैल्यू. ये जो मुझे जेड का वैल्यू चाहिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए. तो अगेन इफ यू जस्ट टाइप योर एनी फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट हैबिट विच यू नीड टू इनकल्केट. जो भी फंक्शन आपको मिले उसको हेल्प टैब में डालो. यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फंक्शन कैसे यूज करते हैं. देन यू गेट दिस नॉलेज वेल, यू कैन यूज एनी फंक्शन इन आर. एनी फंक्शन यू हैव टू रीड दिस डॉक्यूमेंटेशन वेरी वेल. आपको ये तो आपको यहाँ पे देखो फंक्शन, इसमें देखो राउंड में कितने सारे फंक्शन आ गए. सीलिंग, फ्लोर, दीज आर रिलेटेड फंक्शन एक्चुअली. वी हैव राउंड. तो इसको यूज कैसे करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट राउंड फंक्शन? सी, एक्स एक्स इज अ न्यूमेरिक वेक्टर एंड डिजिट्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स विच यू रिक्वायर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद आपको कितने सारे नंबर चाहिए, यू मेंशन इट दिस वे. डिजिट्स इक्वल टू यू गिव द नंबर्स. तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स. ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये एक आर्ग्यूमेंट है जो आपको देना है किसमें, राउंड फंक्शन में. आप इससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते हो. क्लियर है? अब देखो इफ यू जस्ट स्क्रोल डाउन अ बिट, नीचे में एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं हाउ टू यूज दीज फंक्शन. देखो यहाँ पे राउंड का एक एग्जाम्पल दिया है. दीज हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज आई सेड आई वांटेड टिल 2 डेसिमल प्लेसेस. तो आई विल राइट क्या मुझे चाहिए, जेड. चलो इसका रेफरेंस लेते हैं, इसका रेफरेंस लेते हैं जेड कॉमा. आई विल देन से कितना नंबर ऑफ डिजिट्स तक मुझे चाहिए. सो आई विल राइट डिजिट्स इक्वल टू, सपोज मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, एंड आई विल हिट एंटर. क्या मिला मुझे? 7.99. क्लियर है? क्लियर है? वॉट इफ आप ऐसे लिखते राउंड जेड कॉमा 2, क्या होता? एग्जैक्टली द सेम आंसर. इसका क्या मतलब है? आर इज वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड कि ये जो पहला वाला वैल्यू है इज फॉर दिस एक्स, एंड ये जो दूसरा वाला वैल्यू है इज फॉर द नंबर ऑफ डिजिट्स. इज फॉर द नंबर ऑफ डिजिट्स. क्लियर है ये चीज? सो इट इज नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट यू राइट दीज आर्ग्यूमेंट.
इसीलिए यहाँ पे हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा था, बिकॉज यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर है खाली इसी का मीन आ रहा था, इसके बाद जो हमने आर्ग्यूमेंट डाला दैट वाज फॉर समथिंग एल्स, इसीलिए वी वर गेटिंग जस्ट 5.7. हाउ टू ओवरकम इट, वी यूज वेक्टर्स टू ओवरकम इट. ठीक है, एनीवन रेजिंग योर हैंड? चैट बॉक्स में प्लीज एक बार टाइप कर दो व्हाट एवर इट इज, या फिर यू कैन जस्ट टाइप आई हैव अ डाउट, क्योंकि मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहा. वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल, सो मुझे दिख नहीं रहा कि किसने हैंड रेज करा है. ओके, क्लियर? ठीक है, तो कैसे हम राउंड फंक्शन यूज करते हैं. नाउ सपोज आपको सीलिंग फंक्शन, निधि इज आस्किंग इज इट पॉसिबल टू राउंड ऑफ मोर देन वन नंबर. एब्सोल्युटली निधि, इट इज पॉसिबल. वी लर्न अबाउट वेक्टर्स, जस्ट गिव मी 10 मोर मिनट्स. ठीक है, इसके बाद एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड. हम लोग जब वेक्टर्स यूज करेंगे, सीखेंगे इनफैक्ट. तो आप लोग को अब समझ में आ रहे हैं ना शॉर्टकमिंग्स, कि यार आप लोग को लग रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकमिंग विच वी आर फेसिंग, कि एक वैल्यू में, एक वेरिएबल में हम खाली एक ही वैल्यू डाल रहे हैं. हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कि हम एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू इनपुट कर पाए. दैट इज व्हाट वी वांट, राइट? दैट इज व्हाट वी वांट. वही हमें यहाँ पे डालना था मीन में, ताकि हमें उस सब वैल्यूज का मीन मिलता. तो वो हम लोग सीखेंगे व्हेन वी लर्न अबाउट वेक्टर्स. क्लियर है? राउंड फंक्शन. सीलिंग फंक्शन इज अगेन द सेम, जहाँ पे हम, क्या होता है कि देखो, वी सारे डेसिमल प्लेसेस घट जाते हैं एंड द नेक्स्ट इंटीजर कम्स अप, विच इज 7.9 का नेक्स्ट इंटीजर क्या हो गया? 8. इफ यू हैड 7.4 तो भी आपका 8 आता. ठीक है, फ्लोर इज उल्टा. फ्लोर इज द नेक्स्ट लोअर लोअर इंटीजर जो है, तो आपका क्या आया? 7. क्लियर? सीलिंग एंड फ्लोर, सीलिंग एंड फ्लोर क्लियर है. सिमिलरली यू हैव ट्रंक फंक्शन, ऐसे सारे डेसिमल प्लेसेस हट जाते हैं, सो यू जस्ट गेट 7. इफ इट इज एनी नंबर, एनी नंबर, ट्रंक फंक्शन में क्या होगा ना, ये सारे डेसिमल वैल्यूज हट जाएंगे एंड यू विल गेट योर जस्ट दिस वैल्यू विच इज टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल. क्लियर है? ठीक है, ओके ओके. सो वी हैव ट्रंक फंक्शन. देन द नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्सिमम मिनिमम ऑल ऑफ दीज फंक्शन. तो अगेन अगर हम मैक्स फंक्शन का बात करें, यू कैन सी दीज 3 डॉट्स, विच मीन्स कि कोई भी आप कितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज आप दे सकते हो, जस्ट लाइक द सम. अगर हम मैक्स फंक्शन यूज करें, मैक्स इज बेसिकली टू फाइंड आउट द मैक्सिमम. एक्स कॉमा वाई अगर मैं दू, एक्स कॉमा वाई क्या है मेरा, चलो जेड भी दे देते हैं. सो वी हैव इन तीनों नंबर्स में से मैक्सिमम क्या होगा? ऑब्वियसली जेड. सो वी आर गेटिंग 7.989. आकृति इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिंग एंड ट्रंक. सीलिंग एंड ट्रंक में ये डिफरेंस है आकृति, कि अगर आपका वैल्यू, सपोज अब आप देखना, ठीक है, जेड में मैं वैल्यू डालती हूँ 7.4. ठीक है आकृति, सो लेट मी पुट 7.4. डिफरेंस ये है, सीलिंग में क्या आया आंसर? 8. फ्लोर में क्या आना चाहिए? 7. द नेक्स्ट लोअर इंटीजर, सीलिंग इज द नेक्स्ट अपर इंटीजर, फ्लोर इज नेक्स्ट लोअर इंटीजर, एंड ट्रंक इज बेसिकली खाली ये ट्रंकेट कर देता है डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यूज है उसको. सो व्हेन यू रन दिस यू गेट 7. ट्रंक एंड सीलिंग अलग आ रहे ना आंसर. यही डिफरेंस है नीरज, कि ट्रंक इज बेसिकली व्हेन यू वांट टू रिमूव ऑल द डेसिमल प्लेसेस, एंड फ्लोर इज द नेक्स्ट लोअर इंटीजर. ठीक है, एंड एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट आंसर्स, मोस्टली सेम आते हैं ट्रंक और फ्लोर के, बट जब हम आगे यूज कर रहे होते हैं, इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए. मे बी आपको नेक्स्ट लोअर इंटीजर, आपका यूसेज के हिसाब से, आपका पर्पस क्या. अगर आपका पर्पस है कि आपको नेक्स्ट लोअर इंटीजर चाहिए हमेशा, तो आप फ्लोर यूज कर रहे हो, या फिर आपको खाली डेसिमल पॉइंट्स हटाने से मतलब है, तो आप ट्रंक यूज कर रहे हो.
ठीक है, सो इट डिपेंड द पर्पस कि आपका पर्पस क्या है यूसेज का, एंड उस हिसाब से आप फ्लोर या ट्रंक यूज करते हो, विच इज मोस्टली द सेम आंसर आपका सेम आता है, बट इट इट डिपेंड्स ऑन आपका पर्पस क्या है. ठीक है मैम, डू वी हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू थ्रू वेरिएबल्स एज इन एक्स और वाई? नो, वी कैन यूज द नंबर्स एज वेल, वी कैन यूज द नंबर्स एज वेल. सी, सो यू कैन यूज मिनिमम यूज करके देखते हैं, यू कैन यूज 9, 8, बट सी इसमें क्या होगा, आई जस्ट गिव यू ऑल. तो आपका आया 3, यू कैन यूज दिस एज वेल, राइट? यू कैन यूज दिस एज वेल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. वी लर्न अबाउट वेक्टर्स, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, तो सब कुछ और क्लैरिफाई हो जाएगा. वी कैन यूज द नंबर्स एज वेल, कोई इशू नहीं है. यू कैन यूज द वेरिएबल नेम्स और यू कैन यूज द वैल्यूज डायरेक्टली. क्लियर? ठीक है, सो वी हैव दीज डिफरेंट फंक्शंस विच वी हैव डन, साइन, टैन, कॉस. अगेन वी आर नॉट गोइंग इन टू दीज फंक्शंस अभी के लिए, बट दीज आर अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच यू कैन यूज. साइन ऑफ जो भी आपको चाहिए आप निकाल सकते हो, एंड दीज वैल्यूज दीज कम इन फॉर्म ऑफ रेडियंस, डिग्रीज में नहीं आते हैं. सो इफ इट इज 36 डिग्री या 90 डिग्री, तो वो नहीं होता है, यू गेट द आंसर इन रेडियंस. अभी के लिए वी डोंट वॉन्ट टू यूज दिस, सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज. देन वी हैव समथिंग एज फैक्टोरियल एंड चूज फंक्शन, अगेन नॉट गोइंग इन टू दिस. फैक्टोरियल इज बेसिकली, अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल. सो वॉट इज 5 फैक्टोरियल? 1 into 2 into 3 into 4 into 5, राइट? सो यू कैन जस्ट राइट फैक्टोरियल 5 एंड यू गेट योर आंसर. आई शो यू, हमें उसका जरूरत नहीं अभी, बट आई विल शो यू फैक्टोरियल 5, ठीक है, सो इट गिव्स यू 120. चूज फंक्शन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन, 5C2 आपने अगर किया है, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, तो उसमें हम लोग अगर 5C2 अगर मैं बोल रही हूँ निकालने, तो आप सिंपली करोगे चूज, एंड देन देखो x, n है यहाँ पे, जो आपका x है इट इज बेसिकली xCn, ठीक है, तो आप x डालोगे 5 एंड ये आप डालोगे 2. दिस इज बेसिकली 5C2. क्लियर है? तो इफ आई हिट रन, 2 आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है. सो अगेन दीज आर नॉट रिक्वायर्ड अभी के लिए हमें, बट दीज आर द फंक्शन विच यू कैन यूज इन आर, राइट? राइट? यस श्रीजन, यू मे टाइप द क्वेश्चन, अगर आपको जो भी क्वेश्चन है, या फिर आप अनम्यूट करके बोलो क्या क्वेश्चन है आपको. अगर आपको ये फंक्शन नहीं समझ में आए, यू कैन स्किप दिस फॉर नाउ. दिस इज हम लोग जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करते हैं मैथमेटिक्स में, इफ यू वांट टू टेक आउट 5C2 का वैल्यू, सो वी यूज द चूज फंक्शन. यू कैन इग्नोर दिस फॉर नाउ अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस नहीं आता, ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस नहीं आता. क्लियर चीजन? दिस इज एब्सोल्यूटली फाइन अगर ये आपको नहीं आ रहा तो, ठीक है, दिस इज एक्चुअली द चूज फंक्शन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है. ओके, सो नाउ दीज आर द फंक्शन विच आर ऑलरेडी इनबिल्ट, ठीक है, आर में इनबिल्ट है. अब आपको खुद से जब नया फंक्शन बनाना होता है, तो आप कैसे बनाते हो? अगर कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जो आपने पहले कभी कहीं आर में नहीं है, बट आपको वो चाहिए, वो आपको बार बार यूज करना है, तो उसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, विच वील कम टू इट लेटर ऑन इन आर क्लासेस, बट दीज आर द फंक्शन विच आर इनबिल्ट इन आर, करेक्ट? देर आर अ फ्यू फंक्शन जो हम खुद से भी बना सकते हैं, जिसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, जो हम लोग आगे सीखेंगे. क्लियर? दीज आर द इनबिल्ट फ्यू फंक्शन विच वी हैव टॉक्ड अबाउट. सिमिलरली वी हैव लॉग, अगर आपको लॉग लेना है, लॉगरिदम लेना है, तो आप लॉग लिख सकते हो, एंड यू कैन टेक आउट, सपोज आप लॉग ऑफ 5 लोगे तो आपका आंसर आएगा 1.6. यू कैन ऑल्सो
विदिन दिस यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई कि आपको कैसा लॉग लेना है. सपोज इफ यू वॉन्ट टू टेक आउट नेचुरल लॉग, तो बेस बाय डिफॉल्ट, इफ यू सी दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू. वॉट इज द डिफॉल्ट वैल्यू, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है. कोई भी फंक्शन में देर आर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स जो हम डालते हैं, राइट. सो दिस इज वन आर्ग्यूमेंट विच इज एक्स, जो मैंने यहाँ पे यूज करा लॉग ऑफ 5. नाउ दिस आर्ग्यूमेंट विच यू सी बेस इक्वल टू जो लिखा हुआ है, दिस आर्ग्यूमेंट ये बाय डिफॉल्ट इसको वैल्यू दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल 1. व्हाट इज दिस एक्सपोनेंशियल? exp, e टू द पावर एनीथिंग, e टू द पावर 2. दिस इज बेसिकली e टू द पावर 3, e टू द पावर 2, क्या e टू द पावर 2, e टू द पावर 3, जो हम मैथ में यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये वैल्यू बेस क्या दिया हुआ है, बेस इज इक्वल टू ई. इसका क्या मतलब है? लॉग में इफ यू रिमेम्बर हम लोग ऐसे लिखते थे, लॉग ऑफ इफ आई एम टेकिंग आउट 5, तो यहाँ पे देर इज अ बेस विच इज ई, लॉग 5 बेस ई. याद आ रहा है सबको ये चीज? अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ा है, इट्स कंप्लीटली फाइन, यू कैन इग्नोर दिस. बट लॉग 5 बेस ई, सो बाय डिफॉल्ट इसका बेस क्या है? एक्सपोनेंशियल 1, मतलब ई टू द पावर 1, मतलब ई. बाय डिफॉल्ट इसका बेस क्या है? ई एक्सपोनेंशियल. यस देवांश, यू कैन यूज यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है. तो ये सबको क्लियर है, बेस इज ई. अगर आपको बेस चेंज करना है तो आप कैसे करोगे? आप कैसे करोगे? एनी आइडिया? बेस इक्वल टू सपोज 10. इसका क्या मतलब हुआ? लॉग 5 बेस 10. आंसर्स देखो क्या आ रहे हैं, ठीक है. सो दैट इज हाउ दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू. इसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू. यू कैन राइट इट डाउन. इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू विच यू कैन चेंज. क्लियर? अगर आप कुछ नहीं लिख रहे थे, सो योर बेस वॉज ई बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो भी गिवन है, ठीक है. नाउ इफ यू आर स्पेसिफाइंग दिस एज 10, नो श्रीआत्मा, यू कैन, श्रीतमा, यू कैन नॉट डू दिस. ऑब्वियसली आर है, आर मी हू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग एनी फंक्शन. आप खुद से नहीं बना सकते, ठीक है, राइट. क्लियर? अगर आप लॉग फंक्शन यूज करो तो आप नहीं लिख सकते. यस, इफ यू आर फॉलोइंग दिस, इफ यू आर फॉलोइंग दिस देन यू कैन राइट. बट करेंटली मैं ये लिख रही हूँ, ये वाला चीज लॉग यूज कर रही हूँ मैं. द फंक्शन विच आई एम यूजिंग इज लॉग. पर अगर आप ये यूज करना चाहते हो, यू कैन यूज इट. लॉग 10x, मतलब कि लॉग ऑफ एक्स बेस 10, ठीक है. श्वेतमा, यू कैन यूज दिस. इसका मीनिंग है लॉग 5. आई शो यू ऑल लॉग 10 एंड यू कैन गिव 5 यहाँ पे. लेट अस रन दिस. द आंसर इज सेम, ठीक है. ओके, यू कैन डू दिस. सो दिस वॉज अबाउट द लॉग फंक्शन. यहाँ तक सबको क्लियर है? दीज आर द इनबिल्ट फंक्शंस इन आर विच यू कैन यूज, डिफरेंट फंक्शंस विच वी हैव यूज्ड. एंड विथ टाइम वी विल बी यूजिंग अलॉट मेनी मोर, एंड ये सारे को भी हम यूज करेंगे बार बार. द नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच वी यूज इज द इफ स्टेटमेंट और द इफ फंक्शन. यहाँ तक क्लियर है? सो दैट वी कैन मूव टू इफ फंक्शन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग विच वी लर्न, इफ फंक्शन. ओके, तो यस, वंशिका, वी कैन राइट दैट वे, ठीक है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग बेस 10, यू कैन राइट लॉग
5, 10. Absolutely, you can do this. Okay, you'll get the same answer again. So now moving to if statement. If statement, if you have done Excel, तो ये exactly same है जो हम लोग use करते हैं. Now इसके there are different formats which we learn, ठीक है? Different ways of writing if statement actually which we learn. तो सबसे पहले तो I'll take very simple example. तो इसमें मैं दिखा देती हूँ इसका structure कैसा होता है. इसका structure होता है, इसमें आप लिखते हो कोई भी logical स्टेटमेंट देते हो, ठीक है? कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट आप देते हो या फिर ऑपरेशन आप कैरी आउट करते हो, एंड देन वैल्यू इफ ट्रू. समझो, इफ दिस वैल्यू इज ट्रू, लॉजिकल स्टेटमेंट है, लॉजिकल ऑपरेशन है. लॉजिकल ऑपरेशन का मैंने कल क्या बताया था कि आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है, राइट? सो इफ द आंसर इज ट्रू, if the answer is true, you will get this value, whatever value you write within this curly brackets. तो first bracket में आप अपना logical operation, logical statement देते हो, then within this curly bracket you give the value, जो भी value आपको चाहिए, if this statement is true. तो let us take a very simple example. एक हम variable बनाते हैं a, इसमें हम assign करते हैं number 5, for example, ठीक है? And I write that if, ध्यान से देखना, if I say that A is greater than 6, क्या ये मेरा लॉजिकल स्टेटमेंट है? लॉजिकल स्टेटमेंट का आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स आता है, तो क्या ये मेरा लॉजिकल स्टेटमेंट है? यस, दिस इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट. इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए. नाउ विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स आई गिव वट एवर वैल्यू आई वॉन्ट if this statement is true. So suppose I write value is greater than 6, ठीक है? I will write a is greater than 6. अब देखो मैं इसको quotations में लिख रही हूँ. कोई बता सकते हैं कि मैं इसको quotations में क्यों लिख रही हूँ? Anyone in the chat box please. एब्सोल्यूटली, बिकॉज दिस इज अ कैरेक्टर, बिकॉज दिस इज अ कैरेक्टर, इंटायर स्ट्रिंग, कैरेक्टर स्ट्रिंग. तो ये मुझे हमेशा कोटेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये मुझे हमेशा कोटेशन में लिखना पड़ेगा. लेट मी रन दिस एंड चेक, क्या ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, तो क्या ये वैल्यू आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना. इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं. कुछ भी आउटपुट आया क्या? खाली आपका कोड आया, खाली आपका कोड आया, राइट? लेट मी डू दिस वंस अगेन विथ अनदर वैल्यू ऑफ ए. इसको कर देते हैं 7. क्या आया? ए इज ग्रेटर देन 6. क्लियर? बाय, बिकॉज दिस इज ट्रू नाउ. अभी 7 है ए, सो दिस इज ट्रू. इफ दिस इज ट्रू, मुझे क्या मिलेगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी है, ए इज ग्रेटर देन 6. बोलो, इज इट फाइन? इज इट फाइन? ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग. अब मुझे एक और वैल्यू चाहिए. अगर ये फॉल्स है तो, अगर ये फॉल्स है तो भी मुझे एक अगेन एक वैल्यू चाहिए. तो उसके लिए हम थोड़ा अपने फॉर्मूला को एक्सटेंड करेंगे, थोड़े अपने फॉर्मूला को एक्सटेंड करेंगे, एंड यहाँ पे एक चीज इंक्लूड करेंगे विच इज एल्स. एंड इसमें हम लिखेंगे इफ द वैल्यू इज फॉल्स, इफ द वैल्यू इज फॉल्स. क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था, वैल्यू जब हमारा फॉल्स था तो आउटपुट कुछ नहीं आ रहा था, राइट? आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा था. बट अगर मुझे कोई आउटपुट चाहिए, अगर मुझे कोई आउटपुट चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट हमें देना पड़ेगा. लेट मी अगेन यूज द सेम कोड ऑफ लाइन, एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एल्स ए
is less than 6. Here, if यू कैन सी द डिफरेंस, ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये अपने आप ब्लू में आ जाते हैं. देख रहे हो, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि आपका कलर कोडेड है. डू वी नीड टू राइट होल कोड इन अ सिंगल लाइन? नो, यू कैन स्प्लिट इट, बट इन ऑर्डर टू स्प्लिट देर इज अ वे ऑफ डूइंग इट. अगर आप सीधा इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाओगे, ये चीज आप कर सकते हो, बट अगर आप ये यहां से स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है, तो ये सेम कोड नहीं माना जाएगा, ये सेम कोड नहीं माना जाएगा. आपको देखो यहाँ पे एक एरर दिखा रहे हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक आर अंडरस्टैंड कि ये जो स्प्लिट है नेक्स्ट लाइन में, अगर आप लेके जाओगे उसको, इट शुड बी कंटिन्यूएशन. बीच में आपको तोड़ना है कहीं, तो आप या तो इसके बाद इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाओ, ठीक है, या तो आप यहां ले जाओ नीचे, जस्ट सो दैट आर अंडरस्टैंड कि आपका कैसे वो टूट रहा है. हम आगे जब बड़ा बड़ा कोड लिखेंगे, देन आई विल मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे हम तोड़ते हैं अपने कोड को, ठीक है. इफ आई टेक इनपुट ऑफ ए, हाउ टू डू? दिव्यानी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन एक्चुअली. ओके, सो ए का वैल्यू अभी मैंने ले लिया 5. अगेन आई एम सेइंग दैट इफ दिस इज ट्रू तो मुझे ये चाहिए, इफ दिस इज फॉल्स तो मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए. इन आर केस दिस इज व्हाट, दिस इज फॉल्स, सो व्हाट आंसर आई विल गेट? आई विल गेट दिस आंसर व्हिच इज ए इज लेस देन 6. ठीक है, इसको रन करते हैं. ए इज लेस देन 6. क्लियर? सब लोग एक क्विकली थम्स अप दिखाओ मुझे. क्लियर? ग्रेट ग्रेट, ठीक है. अब सपोज एक और चीज करते हैं. अब सपोज मैथ एंड इंग्लिश दो का मार्क्स लेते हैं, तो फिर लेट अस कीप इट बी ओनली, टू सिंपल, कीप थिंग्स सिंपल. अब मैं ले लेती हूँ बी का भी वैल्यू, ले लेती हूँ मैं 5 फॉर एग्जांपल, ठीक है. नाउ टेल मी क्या होगा. गिविंग द सेम कोड, जस्ट चेंजिंग समथिंग यहाँ पे. बी इसका वैल्यू ले लेते हैं 7. चलो बताओ. नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज अगेन अ लॉजिकल स्टेटमेंट, येस और नो? इसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आएगा? आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आएगा? तो क्या इसका आउटपुट ट्रू आएगा या फॉल्स? ए इज ग्रेटर देन 6, फॉल्स. बी इज ग्रेटर देन 6, ट्रू. ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू. वेरी गुड. तो अगर ये ट्रू है, हमें क्या मिलेगा? ए इज ग्रेटर देन 6. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए और बी इज ग्रेटर देन 6. नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट टू मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाएंगे. ए और बी इज लेस देन 6, ठीक है. क्लियर? क्लियर? इसको रन करें, इसको पूरे को रन करें. क्या आया? ए और बी इज ग्रेटर देन 6, विच मीन्स कि ये वैल्यू इन्होंने क्या लिया है? ट्रू लिया है. क्लियर? इसको आप रन करके देख सकते हो कैसे. देखो कोड के बीच में, दिस इज वन सिंगल कोड, राइट? दिस इज वन सिंगल कोड, बट मैं इसको कैसे लिख रही हूँ देखना. मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके खाली रन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? ट्रू. ठीक है, ये चीज भी हम कर सकते हैं, ये चीज भी हम कर सकते हैं. क्लियर? क्लियर? ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब मुझे एक और इसमें बीच में इफ स्टेटमेंट पास करना है, ठीक है. एल्स के बाद मुझे एक और इफ स्टेटमेंट पास करना है, तो कैसे पास करेंगे देखना, कैसे पास करेंगे देखना, कैसे पास करेंगे देखना. यहां हम लिखेंगे एल्स स्पेस देके इफ, एंड देन अगेन यू कैन राइट, एंड देन अगेन यू कैन राइट
value if true एंड वैल्यू इफ फॉल्स आते हैं हम उसमें, इसका एग्जाम्पल करेंगे देन इट विल बिकम क्लियर. इसका एक एग्जाम्पल करेंगे सो इट विल बिकम क्लियर. समझो ये वाला चीज समझो. टेस्टिंग मल्टीपल कंडीशंस राइट. तो अगर आपने एक लॉजिकल स्टेटमेंट पास करा, इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा. नाउ इफ दिस इज फॉल्स, आपको एक और कंडीशन टेस्ट करना है, तो हम इस कंडीशन में आ जाएंगे, हम इस कंडीशन में आ जाएंगे दैट नाउ चेक इफ दिस इज फॉल्स तो ये वैल्यू नहीं लेगा, एल्स में चला जाएगा. अब यहाँ पे आप चेक करो कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट. इफ इट इज ट्रू तो ये वाला वैल्यू रिटर्न होगा, अदरवाइज ये वाला वैल्यू रिटर्न होगा. क्लियर है? इसका एग्जाम्पल हम अभी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. अदरवाइज इज इट क्लियर? बोलो इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एल्स भी डालना पड़ेगा हमें बिकॉज दिस इज अगेन अ इफ स्टेटमेंट. तो अभी करते हैं इसको क्लियर. सिंपल सा एक लेंगे, ए का वैल्यू अगेन लेट मी जस्ट टेक इट एज 5. सो आई एम राइटिंग यहाँ पे दैट इफ ए इज ग्रेटर देन 6 तो हमें आउटपुट चाहिए दैट ए इज ग्रेटर देन 6, इज ग्रेटर देन 6. ठीक है? एल्स इफ, एल्स इफ देखो एल्स लिखा हमने, इसके बाद जो भी हम पास करेंगे विल बी द वैल्यू इफ दिस इज फॉल्स. ठीक है, एल्स के बाद. बट अब इंस्टेड ऑफ दैट वैल्यू वी आर अगेन पासिंग अ इफ स्टेटमेंट. तो सबसे वापस से हमें क्या देना पड़ेगा इस स्टेटमेंट का, एक लॉजिकल स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के अंदर. तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट अगेन आई कैन गिव दैट ए अगर ये 6 से बड़ा नहीं है तो 6 से छोटा है. अब मुझे देखना है कि क्या ये 5 से छोटा है कि नहीं. लेट मी चेंज द नंबर एज 4. ठीक है, इसको 3 करते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, 3 करते हैं. तो यहाँ हम इसको डालते हैं लेस देन इक्वल टू 4. अगर ये ट्रू है तो हमें आउटपुट में चाहिए दैट ए इज लेस देन इक्वल टू 4. एल्स एल्स मुझे चाहिए दैट ए इज बिटवीन, कौन आना चाहिए, कौन आंसर करेगा? ए इज बिटवीन, समझो मेरा क्वेश्चन समझो. इफ ए इज 3 नाउ, वो भूल जाओ. अगर मैं कंडीशन पास कर रही हूँ ए इज ग्रेटर देन 6 तो मेरा आउटपुट आना चाहिए दैट ए इज ग्रेटर देन 6. एल्स ये पूरा रन करो, इसमें चेक करो कि वेदर ए इज लेस देन 4 और नॉट. अगर ये फॉल्स है तो ही हम इधर जाएंगे, अगर ये फॉल्स है तो ही हम इधर जाएंगे, अदरवाइज तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा. तो ये मेरा फॉल्स है तो हम इधर गए. फॉल्स होने का मतलब है दैट ए इज लेस देन 6. ठीक है, नाउ इफ ए इज लेस देन 6 वी नो दैट इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 4 सो इट इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 4. बट इफ इट इज फॉल्स, इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसका क्या मतलब है कि वो 4 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, यस इट कैन बी आइदर 5 और इट कैन बी 6. द नंबर इज आइदर 5 और 6. अगर ये चीज किसी को नहीं समझ में आई, यू ऑल कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स अगेन. ए इज लेस देन 4 क्यों आ रहे हैं? ये वाला स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स. तो हमारा आंसर ये नहीं आया. हम किधर आ गए, हम इस स्टेटमेंट में आ गए, हम इस पूरे स्टेटमेंट में आ गए. यू कैन गिव दिस एंटायर थिंग इन ब्रैकेट ऑल्सो, यू कैन गिव दिस एंटायर थिंग इन
ब्रैकेट ऑल्सो, ये एल्स था। एल्स के बाद हम एक और वैल्यू इफ फॉल्स का स्टेटमेंट पास करते हैं, येस और नो, वैल्यू इफ फॉल्स का स्टेटमेंट पास करते हैं। उसके बदले मैंने एक और इफ का स्टेटमेंट डाल दिया, तो यहां मैंने डाला एक लॉजिकल स्टेटमेंट, इफ दिस इज ट्रू तो आंसर ये आएगा, इफ दिस इज फॉल्स तो आंसर ये आएगा। यू कैन गिव दिस विद इन द ब्रैकेट्स ऑल्सो, आंसर आपका एग्जैक्टली सेम आएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकते हो, ब्रैकेट के बाहर भी रख सकते हो। क्योर क्योर, किसी को अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी यहाँ पे इस पॉइंट पे। यू कैन यूज अनलिमिटेड। हेमंत इज आस्किंग हाउ मेनी एल्स इफ वी कैन यूज। यहाँ पे अगेन आपने एल्स लिखा ना, इसके अंदर अब आप एक वापस इफ स्टेटमेंट डाल सकते हो। यस दिस इज लाइक नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन केस ऑफ एक्सेल जो हम यूज करते हैं, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। ठीक है, ओके। लास्ट यस खुशी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट योर सेल्फ मैम। बिटवीन 4 एंड 6 शुड मीन 4, 5, 6 राइट, बट सिंस वी विल ओनली गेट आइदर 5 और 6। यस बिटवीन 4 एंड 6, ओके, यू आर सेइंग दैट बिटवीन 4 एंड 6 का मतलब होता है 4, 5 एंड 6। सो या यू कैन राइट दैट इज वेल, दैट ए इज आइदर 5 और 6। दैट वॉज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, यू कैन राइट दिस एज वेल, नॉट एन इश्यू एट ऑल। ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर दिस, तो बेसिकली हमने क्या सीखा, इफ स्टेटमेंट हम ऐसे पास करते हैं, कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू, एल्स लिख के आप वैल्यू इफ फॉल्स लिख सकते हो। नाउ इंस्टेड ऑफ वैल्यू इफ फॉल्स आप अगेन एक इफ स्टेटमेंट डाल सकते हो। यू कैन गिव अनलिमिटेड इफ स्टेटमेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन यू। लास्ट हमारा एक और सिंटैक्स है विच इज वेरी सिंपल एक्चुअली, विच इज योर इफ एल्स। इफ एल्स, अब इफ एल्स कैसे अच्छा है समझो। इफ एल्स के अंदर हम लिख सकते हैं कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू, एंड हमें इधर पे एल्स नहीं देना पड़ता, वी कैन डायरेक्टली राइट वैल्यू इफ फॉल्स। तो इफ एल्स इज द, जब आपको खाली एक चीज यूज करना है तो लाइक एक ही कंडीशन आपको देना है एंड यू वॉन्ट बोथ वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स, इन दोज केसेस वी यूज इफ एल्स साथ में, इंस्टेड ऑफ इफ एंड एल्स अलग अलग वी यूज इफ एल्स साथ में। क्लियर है कैसे, देखो। तो अगेन आई टेक ए का वैल्यू, लेट अस टेक इट एज 5। इफ ए इज ग्रेटर दैन 6 देन आई विल राइट ए इज ग्रेटर दैन 6, यहाँ पे मुझे लिखना है इफ एल्स, ओके। और आई विल राइट ए इज लेस दैन 6। क्लियर है, एंड एक्चुअली इसको हम, एंड एक्चुअली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट दिस वे वी कैन जस्ट गिव कॉमा एंड वी कैन सेपरेट इट लाइक दिस। देखो इसे कितना
ज्यादा इजी हो जाएगा सब कुछ लिखना। यू फर्स्ट गिव द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू तो ये वाला वैल्यू आएगा, इफ इट इज फॉल्स। श्रीजन यस, दोनों स्टेटमेंट के बीच नो गैप एंड यू गिव दिस वैल्यू इफ फॉल्स। आउटपुट ए इज लेस देन 6, ऑब्वियसली ये वाला चीज क्लियर है, इफ एल्स। सो इफ यू हैव वन कंडीशन टू पास, खाली आपको एक ही कंडीशन यूज करना है, तो आप इफ एल्स यूज करोगे। एक से ज्यादा कंडीशन यूज करना है तो हमें ये वाला चीज यूज करना पड़ेगा और दिस। एवरीवन क्लियर? सो इफ एल्स में क्या होता है, जस्ट विद इन वन सिंगल ब्रैकेट, दिस इज एग्जैक्टली लाइक द इफ स्टेटमेंट यू यूज इन एक्सेल, एग्जैक्टली लाइक दैट। यू पास द कंडीशन फर्स्ट, देन वैल्यू इफ ट्रू, देन वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये चीज सबको क्लियर है जस्ट गिव मी योर थम्स अप। एंड ये कॉमा सेपरेटेड है, मेक श्योर यू गिव कॉमाज इन बिटवीन। इफ दिस इज क्लियर जस्ट गिव मी योर थम्स अप। ग्रेट। सो वी कैन टेक 2 मिनट्स ब्रेक एंड वी विल स्टार्ट विथ वेक्टर्स टूडे। ठीक है? अभी हो रहा है 6:28, आई एम नॉट गोइंग एनी वे, आई एम सिटिंग हियर ओनली। यू कैन टेक 1 मिनट 2 मिनट्स ब्रेक एंड एग्जैक्टली एट 6:30 वी विल स्टार्ट विथ वेक्टर्स। ओके, विद दिस वी फिनिश हमारा बेसिक फंक्शंस। यू कैन नाउ डू दिस असाइनमेंट विच इज देयर। ओके, आई विल एड वन मोर क्वेश्चन टू दिस इन द पीपीटी एंड आई विल सेंड यू द पीपीटी। वंशिका, डू यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? ओके, सो आई विल एड वन मोर क्वेश्चन एंड आई विल सेंड यू द फाइल एंड फिर आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स हमने कर लिया, राइट? सबके कैमरे एक एक करके बंद हो गए। ठीक है, सबको एग्जिट करती हूँ मैं एक एक करके। सब अपना कैमरा ऑन करूँ? दिव्यानी इज आस्किंग हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इंस्टेड ऑफ, दिव्यानी वी विल कम टू इट लेटर। अभी एक्चुअली वी आर नॉट टू दैट पॉइंट कि हम वो सारा चीज अभी कर पाए आज में। यस देवांश मैम, कैन वी यूज मल्टीपल इफ एल्स? मल्टीपल इफ एल्स मतलब नहीं, यू कैन व्हेन यू हैव जस्ट वन स्टेटमेंट, वन लॉजिकल स्टेटमेंट, देन यू यू विल जस्ट हैव टू यूज इफ एल्स। एक से ज्यादा है तो आपको इफ एंड एल्स अलग अलग जैसे हम कर रहे थे वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ वेक्टर्स। महक इज आस्किंग 7 या 7:30? महक, आर यू रियली बोर्ड? 7 या 7:30? देखते हैं, जब तक मेरा मन करेगा आप लोग पढ़ोगे।
No, it will be just this vectors is our last topic. Okay? After that we'll wrap up. So what are the different हमने देखा what are the different types of variables, right? Now we will also have to learn about the different objects. So before moving to this, let us understand जो हम feel कर रहे थे अपने mean function में हमने जब लिखा था तो उसमें हम x y नहीं लिख पा रहे थे साथ में. हम लोग मल्टीपल नंबर्स कॉमा दे दे के नहीं लिख पा रहे थे, राइट? सपोज मुझे नेम में खाली शिवांगी नहीं डालना है, मुझे नेम में शिवांगी, रितिका, देवांश, महक, हमें तीन चार नाम चाहिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल में. तो हम उसको ऐसे नॉर्मली जैसे हम डाल रहे थे, लाइक आई वॉज राइटिंग शिवांगी एंड सपोज अब मुझे देना है रितिका एंड मुझे देना है लेट अस सपोज ब्रिन, तीन नाम मुझे देना है. ओके, तो इसको जब हम रन कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड कॉमा इन दिस एंटायर स्टेटमेंट. सो दे आर रिकग्नाइज्ड टिल दिस पॉइंट खाली, इसके बाद जो हमने दिया ना उसको रिकग्नाइज नहीं हुआ. सो व्हेन यू वांट टू इनपुट मोर देन वन वैल्यू, मोर देन वन वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, द वेक्टर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच वी लर्न. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेक्टर्स का काम आता है. नाउ व्हाट आर वेक्टर्स? सो बिफोर दैट देर आर सेवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नाउ व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? द वेरिएबल्स जो अभी तक हम बोल रहे थे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जिसमें हम वैल्यू डालते हैं, दोज आर एसेंशियली कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स इन आर. दोज आर नॉट कॉल्ड एज वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का हम मीनिंग देखेंगे क्या होता है फ्यूचर में. यू कैन कॉल इट एज वेरिएबल, वो गलत नहीं है, बट एसेंशियली वी कॉल इट एज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज एनी थिंग जिसके अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर करा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एनी थिंग जिसके अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर करा है, बी इट अ सिंगल वैल्यू और बी इट मल्टीपल वैल्यूज. क्लियर? तो सबसे पहला हमारा आता है वेक्टर्स, जो हम आज सीखने वाले हैं. नाउ व्हाट आर वेक्टर्स? सो वेक्टर्स आर वन डायमेंशनल रो, रो के फॉर्म में होता है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड इट शुड हैव वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप. द वैल्यूज आर ऑफ सेम डेटा टाइप. इसका मतलब है कि अगर आप न्यू नंबर्स डाल रहे हो तो सारे नंबर्स होने चाहिए, अगर आप कैरेक्टर डाल रहे हो तो सारे कैरेक्टर होने चाहिए, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डाल रहे हो तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए, अगर कोई लॉजिकल डाल रहे हो तो सारे लॉजिकल होने चाहिए, एंड सो ऑन. सारे वैल्यूज शुड बी ऑफ द सेम डेटा टाइप. दैट इज यू कैन से अ लिमिटेशन ऑफ वेक्टर्स, बट एट द सेम टाइम इसके वजह से आपका जो प्रोसेस है पूरा, जो स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है पूरे चीज में, वो बहुत सिंपल है. वेक्टर्स के बाद हम जब आगे दूसरा ऑब्जेक्ट्स करेंगे, वी हैव फैक्टर्स, वी हैव मैट्रिक्स, वी हैव डेटा फ्रेम्स, लिस्ट्स, फंक्शंस, एरेज, ये सब जब हम करेंगे तो हम समझेंगे कि व्हाई वेक्टर्स आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर. वेक्टर्स आर नोन एज द सेल, जैसे हमारे बॉडी में सेल होते हैं वैसे आर प्रोग्रामिंग का बोल सकते हो, वेक्टर्स आर द सेल और द बिल्डिंग ब्लॉक. ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन वी से इट शुड बी ऑफ द सेम डेटा टाइप, सबसे पहले हम वेक्टर बनाते कैसे हैं वो सीखते हैं. सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. सबसे बेसिक, सबसे पहला वे ऑफ क्रिएटिंग अ वेक्टर इज टू यूज अ कॉन्कैटिनेट और अ कंबाइन फंक्शन, विच इज अ सी फंक्शन. ठीक है, स्मॉल सी, नॉट कैपिटल. तो इसके अंदर फिर ब्रैकेट में आप सारा वैल्यूज दे सकते हो. तो एक एक करके हम एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे. नाउ लेट अस टेक नेम का एग्जाम्पल. तो नेम इज एन ऑब्जेक्ट जिसको अभी तक हम वेरिएबल बोल रहे थे. आप वेरिएबल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ऑब्जेक्ट बोलोगे तो वो अच्छा साउंड करेगा, वो लगेगा कि यस यू नो द टेक्निकल टर्म्स. ठीक है, तो नेम के अंदर अब मुझे डिफरेंट नेम्स डालने हैं जो ये सारे हैं. हमने देखा दिस वे इज नॉट वर्किंग, तो हम यूज करेंगे कॉन्कैटिनेट फंक्शन और कंबाइन फंक्शन बोलते हैं इसको हम, सी, स्मॉल सी, एंड फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम ये सारा वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड दे देंगे. ठीक है, इसको रन करते हैं. अब देखना डिफरेंस.
नेम क्या आ रहा था? जस्ट शिवांगी. अभी क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या आया, कैरेक्टर, CHR. वॉट इज दिस CHR? CHR रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर. फिर ये क्या है, 1:3. दिस मीन्स कितने नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर इन योर वेक्टर, एंड देन ऑल द वैल्यूज आर मेंशनड. क्लियर? इसको और समझेंगे धीरे धीरे. सो बेसिकली नेम इज अ वेक्टर विच यू क्रिएटेड यूजिंग अ कंबाइंड फंक्शन एंड विच इज कॉमा सेपरेटेड. बहुत मिस्टेक, बहुत लोग ये कर देते हैं कि सी नहीं लिखते, दे जस्ट लीव इट लाइक दिस. इससे अगेन यू गेट एन एरर. सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर टू मेंशन दिस सी. क्लियर? क्लियर? नाउ इससे रिलेटेड देर आर अ फ्यू फंक्शंस विच वी नीड टू नो. तो अगर मैं पता लगाना चाहती हूँ द लेंथ, यानी कि हाउ मेनी वैल्यूज, दीज आर माई वैल्यूज, शिवांगी, रितिका, वृंद, दीज आर द वैल्यूज इन माई ऑब्जेक्ट और माई वेक्टर कॉल्ड नेम. अब मैं पता लगाना चाहती हूँ कि कितने वैल्यूज हैं. यहाँ तो इट इज काउंटेबल, बहुत बार काउंटेबल नहीं होते. सो यू यूज अ फंक्शन कॉल्ड लेंथ, लेंथ ऑफ नेम. कितना आया? 3. ठीक है, ठीक है, क्लियर. सिमिलरली आप पता लगा सकते हो कि क्या ये वेक्टर है. इसके लिए आप लिखोगे इस डॉट वेक्टर, इसके अंदर आप डालोगे नेम. व्हाट आर यू गेटिंग? ट्रू, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ वेक्टर. ठीक है, क्लियर? इस डॉट वेक्टर. आप इसका डेटा टाइप भी पता लगा सकते हो. क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि एक वेक्टर कैन बी ऑफ अ सिंगल डेटा टाइप. तो इसमें मिक्स मिक्स नहीं कर सकते, न्यूमेरिक के साथ कैरेक्टर नहीं मिक्स कर सकते, खाली एक ही चीज हो सकता है. तो आप और कैसे पता लगा सकते हो? इस डॉट कैरेक्टर, इस डॉट कैरेक्टर नेम. क्या इसमें हमारा ट्रू आ रहा है? यस, विच मीन्स दैट दिस इज अ कैरेक्टर वेक्टर. इस डॉट न्यूमेरिक लिखोगे तो क्या आएगा? इस डॉट न्यूमेरिक लिखोगे तो क्या आएगा? फॉल्स. करेक्ट, करेक्ट. ठीक है, नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड कोअर्सिंग. नाउ नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड कोअर्सिंग. वॉट इज कोअर्सिंग? अगर मैं एक वेक्टर के अंदर पर्पसली एक से ज्यादा डेटा टाइप डालू, न्यूमेरिक मिक्स कर दिया मैंने, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, लॉजिकल, तो क्या होगा? हम समझते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? हम समझते हैं. लेट अस क्रिएट अ वेरिएबल एज, एंड इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 23. देखो ये एज अ कैरेक्टर होगा क्योंकि मैंने कोटेशंस में डाला है. 24, 25, दैट्स इट. ये मैंने डिफरेंट वैल्यूज लिए. सो दीज आर न्यूमेरिक? नहीं, दीज आर द वैल्यूज मुस्कान, दीज आर द वैल्यूज एंड दिस इज द वेरिएबल और दिस इज द ऑब्जेक्ट. उसके अंदर हम ये सारा वैल्यूज डाल रहे हैं, उसके अंदर हम ये सारा वैल्यूज डाल रहे हैं. ठीक है मुस्कान, दीज आर द वैल्यूज एंड दीज आर द दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज द वेक्टर और द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब यहाँ पे एज के अंदर आप डाल रहे हो 23 विद इन कोटेशंस, 24, 25. इसको रन करते हैं, इसको रन करो एंड व्हाट डू यू गेट? एज में व्हाट डू यू गेट? देखो सी द डिफरेंस. कैरेक्टर, अब सारे वैल्यूज क्या हो गए? कैरेक्टर में चेंज हो गए. सो इफ यू रन, एक और फंक्शन होता है हम सीखते हैं, स्ट्रक्चर, एस टी आर. एस टी आर के अंदर अगर मैं नेम डालू
So you will get the structure. You will get the structure of, you will get the structure of this vector. ठीक है, what is the structure? You have all the values. उसके पहले it's exactly what you see over here. It's exactly what you see over here. So you have this data type, and then you have कितने values आ रहे हैं, और ये square bracket में क्यों है ये हम अभी discuss करेंगे, and then you get all the values. ठीक है, okay. Okay, so Muskan is asking age. Okay, so Muskan, what मैं आ रही हूँ उसमें. So structure function आप पहले समझ लो. So structure function is basically जहाँ पे आपको data type बताया जाता है, which is character, and then आपके सारे values आ रहे हैं within the square brackets, and then you get all the values. This is the structure of the vector called name. Now Muskan is asking name and so this is synonymous variable and object. No, this is not synonymous at all. Variable is something जिसके अंदर आप values डालते हो, which can change. अगर आप values change करोगे तो आपका variable change होगा, आपका object. Object is something जिसके अंदर आप values डाल रहे हो. There can be different objects. हम जब आगे बढ़ेंगे, अभी के लिए you can use it as synonymous. Variable and object को आप synonymously use कर सकते हो for the time being, but when we move ahead, when we learn about data frames, तब आप समझोगे कि there is a difference between a variable and a object. What is the exact difference? We will learn then. अभी के लिए you can obviously use it synonymously, and there are people who generally use it synonymously, but I don't feel it to be correct. Variable अलग होता है, object अलग होता है. अगर हम उसका technical definitions को समझें, ठीक है? Object is something in which you can store any value, ठीक है? यहाँ पे क्या ये ए जो है, क्या ये एक ऑब्जेक्ट है? यस, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट. इसके अंदर भले ही आपने ए की वैल्यू स्टोर करा है, बट स्टिल दिस इज अ ऑब्जेक्ट. अगर मैं इस डॉट वेक्टर में ए लिखूं तो देखना क्या आएगा, ट्रू आएगा. ऑल दो इट हैज जस्ट वन वैल्यू, बट स्टिल इट इज अ वेक्टर. So what do you understand? जब मैंने बोला कि a vector is a cell or the backbone or the building block of R, so what do I mean by that? I mean that even a single value stored in an object is taken as a vector. So even this age 1, b, q, 3, all of these are vectors. All of these are vectors. चाहे आप एक value store करो या एक से ज़्यादा values आप store करो. Clear है? Just give me a thumbs up quickly everyone. Great. Now structure हमने समझा कि हम क्या होता है. So even a single value is a vector. Single value object is a vector. Clear? Now coercing is basically कि जब मैंने बोला कि vectors में खाली हम एक data type डाल सकते हैं, तो इसका क्या meaning है कि अगर आप एक से ज़्यादा data type डालते हो, तो वो सारा coerce होके single data type में convert हो जाते हैं. तो जैसे मैंने age में लिखा 23, within the quotations I have 24, I have 25, ये सारा coerce होके single data type में change हो गया, which is character. क्यों? कल के class में rewind करो. A numeric can be changed into a character, but can a character be changed into a numeric? क्या शिवांगी को आप character में numeric में change कर सकते हो? No. So
character supersedes all the different data types. You cannot change name like Ritika, Vrind. इसको आप क्या न्यूमेरिक में चेंज कर सकते हैं? मैं बोलूंगी रितिका इज 10, वृंद इज 5, शिवांगी इज 0. ऐसे मैं बोल सकती हूँ? नो, यू कैन नॉट से दिस, राइट? तो इसीलिए सारा कोअर्स होके किस में चेंज हो गया? कैरेक्टर में चेंज हो गया. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक्स में डाल देते हैं 23, 24 फॉल्स. एनी आइडिया क्या होने वाला है? फॉल्स इज अ लॉजिकल लॉजिकल स्ट्रिंग विच इज अ डिक्लेयर्ड स्ट्रिंग जो हम लोग बोलते हैं, रिजर्व स्ट्रिंग जो हम लोग बोलते हैं. फॉल्स का वैल्यू मैंने क्या बताया था कल, क्या होता है? 0. सो एवरीथिंग विल चेंज इन टू वॉट? न्यूमेरिक. 23 को हम क्या लॉजिकल में चेंज कर सकते हैं? नहीं. 25 को लॉजिकल में चेंज कर सकते हैं? नहीं. तो क्या होगा? देखो 23, 25, 0. क्लियर? क्लियर? नाउ लेट अस टेक अ लास्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, चलो वृंद को ही वापस लेते हैं क्योंकि उसका कैमरा ऑफ है, तो उसका पूरा फायदा उठाया जाए. चलो तो अब क्या कर रहे हैं समझना. न्यूमेरिक डाला, लॉजिकल डाला, कैरेक्टर डाला, राइट? तो अब क्या होना चाहिए? सारे कैरेक्टर में चेंज हो जाएंगे. वेरी गुड. सिंपली वाई टाइप करो एंड हिट रन, सी व्हाट हैपेंस. यू गेट ऑल द वैल्यूज. व्हाट इज दिस वन? वी जस्ट लर्न इट अभी. क्या होगा ये? क्लियर है सबको ये चीज? कोअर्सिंग, ग्रेट. चलो यू कैन हैव ऑल्सो रिटन प्रिंट वाई, आपको आंसर सेम मिलता. ठीक है, ठीक. नाउ द नेक्स्ट वे. तो हमने एक तरीका सीखा वेक्टर क्रिएट करने का, विच इज यूजिंग द कंबाइंड फंक्शन, विच इज सी फंक्शन. ठीक है, नाउ अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग अ वेक्टर आर द फॉलोइंग. सपोज ये अदर वेज क्यों आते हैं? हमेशा याद रखना, कुछ एक लिमिटेशन होता है जिसकी वजह से वी हैव टू क्रिएट अ न्यू वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क. अब सपोज यस, सो मैंने बोला था कि प्रिंट को हम क्यों यूज करते, वील अंडरस्टैंड विद इन टाइम हेमंत. ठीक है, आगे हमको समझ में आएगा कि प्रिंट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं. जब हम दूसरे फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तो वील यूज प्रिंट. आई कम टू इट विद टाइम. ठीक है, सब चीज का एक मीनिंग होता है, राइट? ओके, सो वन मोर थिंग. यहाँ पे हमने जब ये एक्स लिया, सो एक्स इज नाउ वॉट? एक्स इज नाउ न्यूमेरिक. तो अब हम इजिली इसका मीन निकाल सकते हैं, मीन ऑफ एक्स. प्लीज कीप योर सेल्स ऑन म्यूट. मीन ऑफ एक्स क्या आया? 16, विच इज 23 + 25 + 0 / 3. डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 3 होगा. डू नॉट मिस आउट दिस 0. ठीक है, क्लियर है? मीन निकाल सकते हो. उस केस में प्रॉब्लम हो रहा था लास्ट वाले में. ऑल्सो किसी ने पूछा था क्या हम एक से ज्यादा नंबर्स राउंड ऑफ कर सकते हैं? अब देखो, अब कर सकते हो. अब देखना, अब कर सकते हो. राउंड इसके अंदर इंस्टेड ऑफ पुटिंग एक्स वाई, मैं डायरेक्टली अब वेक्टर बनाऊंगी इसके अंदर. 4.56, 8.76, 5.32 एंड डिजिट्स डिजिट्स रखते हैं 1 डेसिमल तक. क्या होगा? ये तीनों नंबर्स राउंड हो जाएंगे 1 डेसिमल तक. 4.6, 8.8, 5.3. क्लियर? ठीक है, समझ आ रहे? ओके, नाउ अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग अ वेक्टर, व्हाट आर दीज अदर वेज? सबसे पहले तो अगर मुझे एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लेना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स लेने, तो क्या आप बैठ के ऐसे टाइप करोगे? तो क्या आप बैठ के ऐसे टाइप करोगे 1, 2, 3, 100 तक? पक्का इसका कोई शॉर्टकट होगा? व्हाट इज द शॉर्टकट? वी कैन यूज अ
सीक्वेंशियल ऑपरेटर क्या यूज कर सकते हैं? सीक्वेंशियल ऑपरेटर विच इज ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है, कोलन के जैसा. तो 1 से लेके 100, दिस मीन्स. अब देखना ए का क्या आ गया, इंटीजर. अपने आप इसने इंटीजर लिया है, डबल नहीं लिया. क्यों? डबल लेता तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं ना, दो नंबर के बीच में, 1 और 2 के बीच में, दे कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स, राइट? 1, 1.1, 1, कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं, 1.001. तो इसीलिए अपने आप इसने इंटीजर लिया है. एंड आई एम गेटिंग, इसका लेंथ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इसका लेंथ ऑफ ए क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, 100. क्लियर? ठीक है. सिमिलरली आप खाली ए अगर देखो क्या आ रहा है, पूरा 1 से लेके 100. वॉट आर दीज स्क्वेयर ब्रैकेट्स में, वील कम टू इट इन सम टाइम. ठीक है, ओके. दिस वॉज सीक्वेंशियल ऑपरेटर. नाउ यू कैन यूज अ सीक्वेंस फंक्शन. सीक्वेंस फंक्शन का काम कब आता है समझना. सपोज हमें, मैं यहाँ पे आपको हेल्प टैब में भी दिखा देती हूँ सीक्वेंस फंक्शन. मैं बार बार इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर नया फंक्शन कुछ भी आए, सो इट्स इम्पोर्टेंट, यू नीड टू एनालाइज दोज फंक्शन. तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस, हम ये वाला फंक्शन यूज करने वाले हैं, ठीक है. तो सपोज मुझे लेना है, देखो फ्रॉम टू, तो सपोज आई वॉन्ट फ्रॉम, मुझे एवरी सेकेंड नंबर चाहिए, मुझे चाहिए 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. तो वो कैसे लेके आए हम? हम स्टार्ट करेंगे 1 से, हमें जाना है 100 तक. नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड बाय. इस बाय का मतलब होता है आपको कितने, मतलब कितने नंबर्स को छोड़ छोड़ के आगे बढ़ना है. सो फॉर एग्जाम्पल आई राइट बाय इक्वल टू 2, ठीक है. आई राइट बाय इक्वल टू 2, तब समझो क्या होगा. बी को रन करो, 1, 3, 5 बाय 2, समझ रहे हो? सो 2 के गैप में यू आर गेटिंग द आउटपुट. क्लियर? ठीक है. सो कॉमन डिफरेंस, यस, यू कैन कॉल इट अ कॉमन डिफरेंस. ठीक है. देर इज वन मोर थिंग टू दिस. सीक्वेंस के अंदर अगर अब मैं सेम चीज लिखूं, नाउ इंस्टेड ऑफ बाय मैं दे देती हूँ लेंथ एज 10, तो समझना क्या होगा. मैम इनफाइनाइट सीरीज के लिए नहीं, नो, यू कैन नॉट क्रिएट अ इनफाइनाइट सीरीज इन आर. समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड, हाउ कैन यू क्रिएट इट, हाउ कैन यू विजुअलाइज, कैन यू विजुअलाइज इन्फिनिटी? ऐसा अभी तक आई डोंट थिंक ऐसा वर्ल्ड में कोई भी प्रोग्रामिंग टूल बना है विच कैन टेक इन्फिनिटी इन टू अकाउंट. समथिंग विच इज अनइमेजिनेबल, यू कैन नॉट विजुअलाइज समथिंग, यू कैन नॉट, आफ्टर ऑल दिस इज क्रिएटेड बाई अ ह्यूमन बींग, राइट? इन्फिनिटी को आज तक किसी ने नहीं लिख पाया है कोई भी, करेक्ट? देर इज नथिंग कॉल्ड इनफाइनाइट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यू जस्ट गेट द वर्ड आई एन एफ. इसमें क्या होता है, आई विल शो यू ऑल. आई एन एफ इज इन्फिनिटी के लिए हम आई एन एफ यूज करते हैं, विच वील यूज लेटर ऑन. सो इट्स वर्ड फॉर इन्फिनिटी. आपको, आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते. नो, यू डोंट हैव टू ऑलवेज राइट फ्रॉम एंड टू. यू कैन ऑल्सो हैव रिटन सिंपली सीक्वेंस 1, 100, 2. यूल गेट द सेम आउटपुट. नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज लेंथ ऑल्सो. इसी में इफ यू सी, लेंथ भी बोल के एक है.
तो लेंथ क्या है बेसिकली, अगर आपने फ्रॉम बताया 1, टू बताया 100, मतलब आर आर अपने आप 1 को भी लेगा 100 को भी लेगा, ठीक है, दोनों आउटपुट देगा, बट द लेंथ ऑफ द आउटपुट, द लेंथ ऑफ द आउटपुट विल बी लिमिटेड टू 10। तो ये जो बाई वाला चीज है ना, वो अपने आप कैलकुलेट करेगा। कैसे करेगा देखो, क्या आ रहा है, 1, 12, 23, 34, अपने आप उसने ऐसे नंबर्स निकाले ताकि आपका लेंथ क्या है, आपका लेंथ क्या है, 10 आए। क्लियर है, क्लियर है, अपने आप इसका लेंथ क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। एंड ऑल्सो लेंथ तो 10 आएगा ही, साथ में इट विल ऑलवेज गिव यू द फर्स्ट नंबर एंड ऑलवेज गिव यू द लास्ट नंबर, ऑलवेज। इस केस में इफ यू सी, हमें खाली फर्स्ट नंबर मिल रहा था बट लास्ट नंबर 100 वॉज मिसिंग, क्योंकि ऑब्वियसली दैट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने बाय लिया था 2। बट यहाँ पे इन केस ऑफ लेंथ ऑब्वियसली ऑलवेज यू विल गेट दिस बाय। अब अगर आप बाय और लेंथ साथ में यूज करने का कोशिश करो तो आपको एरर मिलेगा। सपोज आप इधर लिख रहे हो 1 से लेके 100 एंड आप बाय लिख रहे हो 2 एंड आप लेंथ लिख रहे हो 10, विच इज नॉट पॉसिबल। आप बाय लिख रहे हो 2, मतलब 1, 3, 5 ऐसे आना चाहिए, आपका डिफरेंस शुड बी 2, बट आपका लेंथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू 10। हाउ इज दिस पॉसिबल? आर कंफ्यूज हो जाएगा, इट विल से टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स। सो यू कैन नॉट यूज बाय एंड लेंथ टुगेदर, यू कैन नॉट यूज बाय एंड लेंथ टुगेदर। क्लियर? क्लियर? सीक्वेंस फंक्शन क्लियर है, कैसे यूज करते हैं? लेंथ इज बेसिकली आपके पूरे वेक्टर का लेंथ शुड बी 10। अगर आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, मैंने यहाँ पे लेंथ फंक्शन करवाया था ना, लेंथ फंक्शन मैंने कराया था ना, इट गिव्स यू नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर देयर इन दिस वेक्टर, राइट? तो अगर आप इसका लेंथ 10 लिख रहे हो, विच मीन्स कि आपका इसका जो वैल्यू का कितने सारे वैल्यूज है, देयर शुड बी 10 वैल्यूज, 1, 2, 3। इफ यू काउंट दिस लेंथ, इट शुड बी, इसको हम सी में डालते हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड इसका हम फिर लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ सी, तो ये 10 आएगा। क्लियर है? वर्ष निधि ने पूछा था, क्लियर है? ये लेंथ का, लेंथ इज बेसिकली आपको वैल्यूज कितने चाहिए अपने वेक्टर में, 10 वैल्यूज चाहिए। बाय इज बेसिकली आपको डिफरेंस कितना चाहिए, सो यू कैन नॉट यूज द टू टुगेदर, ठीक है? ओके, सो वी हैव डन द सीक्वेंस फंक्शन। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, विच इज योर रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन में जब आपको एक ही नंबर या एक वेक्टर को बार बार रिपीट करना है, तो सपोज आप बार बार नहीं लिखोगे, लेट अस क्रिएट अ वेक्टर डी, तो आप इसमें बार बार ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे अगर आपको सपोज 1 को रिपीट करना है 10 टाइम्स, तो क्या आप 1, 1, 10 टाइम्स लिखोगे? नो, वी आर नॉट सो स्टूपिड टू डू दैट। वी विल राइट रिपीट फंक्शन। आपको किसको रिपीट करना है? 1 को, कितने बारी? तो अगेन आई विल गो टू द रिपीट रेप फंक्शन यहाँ पे। सो देर आर दीज टाइम्स, आपको कितने टाइम्स इसको रिपीट करना है, सो आई विल राइट टाइम्स 10। देख लो, 10 टाइम्स 1 विल बी रिपीटेड। क्लियर? नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो रिपीट अ वेक्टर, 1, 2 इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, यस और नो? दिस इज अ वेक्टर, यस और नो? इज दिस अ वेक्टर जो मैंने हाईलाइट करा है? सी 1, 2 को मैंने हाईलाइट करा है, यस दिस इज अ वेक्टर, तो क्या हम लिख सकते हैं टाइम्स इक्वल टू 10? कैसे आया देखो,
क्लियर क्लियर जस्ट लाइक टाइम्स देर इज अनदर आर्ग्यूमेंट विच इज ईच ईच सपोज करते हैं 5 एंड सी व्हाट हैपेंस. तो ईच वैल्यू सबसे पहले ये 5 बार रिपीट होगा, फिर 2 5 बारी रिपीट होगा. सो नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. क्लियर है डिफरेंस? टाइम्स में क्या हो रहा है, पूरा वेक्टर एक साथ 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है. ईच में क्या हो रहा है, पहले ये वाला वैल्यू 5 बार रिपीट होगा, फिर ये वाला वैल्यू 5 बार रिपीट होगा. एवरीथिंग इज वेक्टर हेमंत, एवरीथिंग इज वेक्टर. सीरीज मुझे समझ में नहीं आया. इफ आई थिंक यू आर आस्किंग दिस, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर. क्लियर है ईच और टाइम्स का डिफरेंस? जस्ट गिव मी थम्स अप. ओके, नाउ देर इज अनदर फंक्शन विच इज अ न्यूमेरिक फंक्शन, बेसिक फंक्शन. इसमें क्या होता है ना, इसमें एक्सप्लिसिटली खाली जीरोज रिपीट हो सकते हैं बार बार. तो इसके इसका खाली आप एक ही आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, न्यूमेरिक 100. इसका मतलब है कि 0 100 बारी रिपीट हो जाएगा, 0 100 बारी रिपीट हो जाएगा. इन केस ऑफ न्यूमेरिक यू ओनली रिपीट 0, ओनली टू रिपीट 0s. तो आपको बताना है कि आपको कितनी बारी 0 को रिपीट करना है, दैट इज ऑल दैट यू वॉन्ट टू टेल. क्लियर? रिपीट फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन. ठीक है, नाउ देर आर अ फ्यू इनबिल्ट वेक्टर्स एज वेल, लाइक लेटर्स, इनबिल्ट वेक्टर्स. लेटर्स आपको देख के कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर आप खाली लेटर्स टाइप करके रन करो तो आपके देखो A to Z सारे स्मॉल में लेटर्स आ गए. अगर आप कैपिटल्स में लिख के रन करोगे तो आपके कैपिटल्स में A to Z सारे लेटर्स आ जाएंगे. ठीक है, एक्चुअली जैसे कि हमने यहाँ पे वेक्टर बनाया BCD, वैसे ही लेटर्स आर द इनबिल्ट वेक्टर्स इन आर, मतलब कि ये इनबिल्ट है आर में जो आप अपना खाली यूज कर सकते हो. ये सब आपने खुद से क्रिएट करा, बी एज ए बी सी डी आपने खुद से क्रिएट करा है, बट दीज आर द वेक्टर्स विच आर ऑलरेडी देयर इन आर प्रोग्रामिंग. क्लियर? ठीक है, ओके ओके. नाउ वी सॉ कि हम वेक्टर्स को कैसे फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट? हमने देखा हम वेक्टर ऑफ वेक्टर्स भी बना सकते हैं. कैसे? इसका हम एक एग्जांपल लेके करेंगे. सपोज मेरे पास यहाँ पे है, लेट अस क्रिएट 2 new vectors x एंड y. y हम ले लेते हैं. ठीक है, सो दीज आर द 2 vectors विच आई एम क्रिएटिंग, एक्स एंड वाई, राइट? नाउ व्हाट आई कैन डू विद दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई कैन क्रिएट अ न्यू वेक्टर एक्स कॉमा वाई लिख के, सॉरी एक्स कॉमा वाई लिख के आई कैन क्रिएट अ न्यू वेक्टर. सी फंक्शन था, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, ऐसे नंबर्स डाल रहे थे या कैरेक्टर डाल रहे थे. आप इसके अंदर वेक्टर्स भी डाल सकते हो, सो यू कैन क्रिएट वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स. और है यू कैन क्रिएट वेक्टर ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, समझ आया कैसे किया मैंने वेक्टर ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स. अब हम करते हैं वेक्टर्स को हमने फंक्शन में यूज करना सीखा. जैसे मीन ऑफ सपोज एक्स हमने निकाला 2, यानी कि इस पूरे का मीन आ जाएगा. सिमिलरली आप सम भी निकाल सकते हो एक्स का, एक्स कॉमा वाई का. ठीक है, सिंपली
अब हम मैथमेटिक्स भी यूज कर सकते हैं, हम एक्स में 2 ऐड कर सकते हैं. सो बेसिकली आप इस सारे वैल्यूज में 2 ऐड कर रहे हो. 1 + 2 यू आर गेटिंग 3, 2 + 2 यू आर गेटिंग 4, 3 + 2 यू आर गेटिंग 5. ठीक है, इंडिविजुअली सारे नंबर्स में 2 ऐड हो जाएगा. सिमिलरली माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग आप वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. अगर मैं x प्लस वाई करूं क्या हुआ देखना. अगर मैंने x प्लस वाई किया तो क्या हुआ देखना. 1 + 4 क्या आ रहा है, 5. 2 + 5 क्या आ रहा है, 7. 3 + 6 क्या आ रहा है, 9. तो क्या हो रहा है, एलिमेंट वाइज यू आर एडिंग. सिमिलरली एलिमेंट वाइज यू कैन सब्ट्रैक्ट, एलिमेंट वाइज यू कैन मल्टीप्लाई, एलिमेंट वाइज यू कैन डिवाइड. क्लियर, क्लियर. नाउ वन मोर थिंग, अगर ये वेक्टर्स अलग लेंथ के होते तो क्या होता. अगर ये वेक्टर्स अलग लेंथ के होते तो क्या होता, मीनिंग अगर मैं एक जेड क्रिएट करूं विद जस्ट मे बी 2 वैल्यूज, 8 एंड 9. ठीक है, इसमें 2 वैल्यूज है बट एक्स में मेरे 3 वैल्यूज है. तो अब देखना क्या होगा जब मैं एक्स माइनस वाई या फिर एक्स प्लस वाई करूं जेड फॉर एग्जाम्पल. तो एक्स क्या है हमारा, 1 2 3, जेड क्या है हमारा, 8 एंड 9. मैं क्या करना चाहती हूँ, एक्स प्लस जेड यानी कि 1 + 8 9, 2 + 9 11. पर 3 के साथ क्या ऐड करेंगे, 3 के साथ क्या ऐड करेंगे, एनी क्लू, 3 के साथ क्या ऐड करोगे. ओके, तो अब समझ में आएगा कि हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे. आंसर क्या आया देखना, 9 11 11. एंड एक वार्निंग मैसेज आया. सबसे पहले तो समझते हैं ये आउटपुट कैसे आया, 9 कैसे आया, 1 + 8. ठीक है, 11 कैसे आया, 9 + 2. 11 कैसे आया, 8 + 3. तो ये जो छोटा वाला वेक्टर है ना, ये रिसाइकल हो गया. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ शॉर्टर वेक्टर. देन द वेक्टर इज ऑफ नॉट ऑफ इक्वल लेंथ. तो क्या होता है कि जो शॉर्टर वेक्टर होता है वो रिसाइकल हो जाते हैं. तो रिसाइकल होके ये जो 8 है ये वापस से इसने ले लिया एंड 8 + 3 कर दिया 11. क्लियर, क्लियर. ठीक है, एक और चीज अगर मैं यहाँ पे करती, सेम करते हैं, एक्स लेस देन वाई जेड. अगेन एक्स एंड जेड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. एक्स है 3 और जेड है 2. अगेन आई विल गेट अ वार्निंग, ट्रू ट्रू ट्रू. मतलब कि क्या हो रहा है, 1 is less than 8, 2 is less than 9, 3 is again less than 8. ठीक है, क्लियर ये चीज. अब हमारा जो वार्निंग है वो कैसा आ रहा है, दैट द लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ. सो दिस इज अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट, एक्स इज द लॉन्गर ऑब्जेक्ट. ध्यान से समझना ये वार्निंग, लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ. यानी कि दिस इज ऑफ लेंथ 3, दिस इज ऑफ लेंथ 2. सो दिस इज अ नॉट मल्टीपल, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ दिस. पर अगर मैं एक और वेरिएबल ले लूं यहाँ पे z1. यस, अच्छा लॉन्गर क्यों रिसाइकल होगा, लॉन्गर नहीं रिसाइकल हो सकता ना. लॉन्गर को रिसाइकल क्यों करेंगे, इसको हम लोग क्यों रिसाइकल करेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिसाइकलिंग दिस. शॉर्टर वाला ही रिसाइकल होता है. बट जब रिसाइकल होता है ना और वो कंप्लीटली रिसाइकल नहीं होते, देन यू गेट एन एरर, देन यू गेट अ वार्निंग मैसेज. नॉट एन एरर बट अ वार्निंग मैसेज कि ये रिसाइकल तो हुआ बट खाली एक वैल्यू इसका रिसाइकल हुआ, सारे वैल्यूज रिसाइकल नहीं हुए. पर अगर मैं एक z1 डिफाइन कर दूं, तो दिस इज ऑफ 2. आई एम क्रिएटिंग अब एक नया वेक्टर यहाँ पे ऑफ लेंथ 4. तो आई हैव z1 ऑफ लेंथ 4, आई हैव z ऑफ लेंथ 2. सो द लॉन्गर वेक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, येस और नो.
येस और नो, लॉन्गर वेक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ द शॉर्टर वेक्टर। अब देखना क्या होगा। अब देखना क्या होगा, जेड प्लस जेड वन। वार्निंग आया। ऑल्दो मैं डिफरेंट लेंथ्स के वेक्टर को ऐड कर रही हूँ, क्या वार्निंग आया? वार्निंग नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज ये जब रिसाइकल हुआ, हुआ क्या? देखो, 1 + 8 9, 2 + 9 11, 3 + 8 11, 4 + 9 13। रिसाइकल तो हुआ, ये वाला रिसाइकल तो हुआ, बट कंप्लीटली रिसाइकल हो गया ना, तो इसीलिए वार्निंग मैसेज नहीं आया। क्लियर? क्लियर? दीज आर द डिफरेंट वेज यू कैन यूज द वेक्टर्स। श्रीजन इज आस्किंग कैन यू एक्सप्लेन अगेन। ओके, व्हाई नॉट। तो जेड वन एंड जेड आर द टू वेक्टर्स। जेड वन का लेंथ इफ यू सी श्रीजन, यहाँ पे इज 4, जेड का लेंथ इज 2। मैं इसको और अगर इसको ऐड करूंगी तो कैसे ऐड होगा? 1 के साथ 8 9, 2 + 9 11, 3 के साथ किसको ऐड करें? 3 के साथ हम वापस 8 को ऐड करेंगे। दैट इज द रीसाइक्लिंग ऑफ द शॉर्टर वेक्टर। तो 3 के साथ वापस से हम 8 को ऐड करेंगे। 4 के साथ किसको ऐड करेंगे? 9 को, विच गिव्स यू 13। सो दैट इज रीसाइक्लिंग ऑफ द शॉर्टर वेक्टर। एंड क्योंकि हमारा जो लॉन्गर वेक्टर है, दिस इज एग्जैक्टली अ मल्टीपल ऑफ द शॉर्टर वेक्टर। शॉर्टर वेक्टर का लेंथ इज 2, इसका लेंथ इज 4। सो दिस लॉन्गर वेक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ द शॉर्टर वेक्टर, हेंस यू आर नॉट गेटिंग एनी वार्निंग। यहाँ पे आपको एक वार्निंग आ रहा था कि इट इज नॉट अ मल्टीपल, बट यहाँ पे यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ अ वार्निंग। ठीक है। सो मैम, इफ आई डू जेड वन प्लस एक्स, जेड वन, यस, वार्निंग मैसेज आएगा क्योंकि जेड वन इज ऑफ लेंथ 4, एक्स इज ऑफ लेंथ 3। सो यहाँ पे आपका रन हो जाएगा, बट यू विल गेट अ वार्निंग, बट यू विल गेट अ वार्निंग दैट द लॉन्गर ऑब्जेक्ट विच इज जेड वन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द शॉर्टर ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये 4 है, ये 3 है, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, एंड ये 4 के साथ क्या ऐड हो जाएगा वापस? 1, विच इज 5। ओके वंशिका। आज के लिए इतना करते हैं। टुमोरो वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट नेम्ड वेक्टर्स। हमारा वेक्टर्स का टॉपिक खत्म नहीं हुआ। वी लर्न हाउ टू क्रिएट नेम्ड वेक्टर्स एंड वी लर्न हाउ टू डू इंडेक्सिंग एंड वेक्टर्स में देर इज अ पेस्ट फंक्शन विच ऑल्सो वी हैव टू डू। आज हम लोग वेक्टर्स में इतना करते हैं। आई विल शो यू इफ यू कैन डू एनी असाइनमेंट यहाँ पे। So, I'll share this PPT with you all. The task which you have to do is you can do this second first question, second question, third question, you all can do. That's it, yeah. तो आप खाली first 3 question attempt कर सकते हो, next 3 आप नहीं कर सकते। In fact, आप ये वाला भी कर सकते हो, 6th question। 4 and 5 आप अभी के लिए नहीं कर सकते, because we have not done all those topics अभी के लिए। वी लर्न दैट इन द नेक्स्ट क्लास, बट अभी के लिए यू आर गुड टू गो। यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 6। एंड ऑल्सो रिमेम्बर लास्ट क्लास का जो फंक्शन वाला, अभी जो हमने फंक्शन करा था, वो वाला 3ों क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। आई लेट यू नो एवरीथिंग। पीपीटी कहाँ पे अपलोडेड है? इट्स इन द ड्राइव निधि। वील शेयर द लिंक अगेन। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस?
ओके ठीक ग्रेट, थैंक यू ऑल सो मच. प्लीज डू योर असाइनमेंट्स. इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होते रहेगा, बिकॉज आर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग. इट इज रियली सिंपल, बट देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट अलॉट. ओके, थैंक यू सो मच, बाय.